हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टीवी यूनिट स्ट्रिप लाइट। टीवी यूनिट स्ट्रिप लाइट में कौन सी स्ट्रिप लाइट लगानी चाहिए, कौन से कलर ज़्यादा बेटर लगते हैं, कितने बल्ब की स्ट्रिप लाइट यूज़ करनी चाहिए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आए थे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी टीवी यूनिट की एक सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आपको COB लाइट्स, पैनल लाइट या डाउन लाइट में से कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए, किसकी इफेक्ट ज़्यादा अच्छी आती है और कौन सी फिटिंग ज़्यादा बेटर लगती है टीवी यूनिट में, कितने वॉट यूज़ करने चाहिए और कौन से कलर यूज़ करने चाहिए। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पहले वाले वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो वो वीडियो के बाद मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, सर आपने लाइट तो बता दी, स्ट्रिप लाइट का भी मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इसलिए आज स्ट्रिप लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, जरा भी स्किप मत कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस, टीवी यूनिट के लिए आप कोई भी स्ट्रिप लाइट का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट में स्ट्रिप लाइट्स अवेलेबल हैं, सिंगल कलर से लेके मल्टी कलर तक, नॉर्मल 60 बल्ब LED से लेके 240 बल्ब तक की स्ट्रिप लाइट मार्केट में अवेलेबल है। आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से और आपके थीम के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। आपको कितना ब्राइटनेस रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मैं बेसिक आज बात करूँगा जो नॉर्मल टीवी यूनिट के लिए स्ट्रिप लाइट लगती है, मैं वो आपको सजेस्ट करूँगा। आपको ठीक लगे तो आप यूज़ कर सकते हो या आपकी चॉइस की आप कोई भी ले सकते हो। तो जनरली गाइस, स्ट्रिप लाइट में जो स्ट्रिप लाइट 60 बल्ब वाली आती है, 5050 उसकी सीरीज़ है, मैं आपको बता भी देता हूं। ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से आती है। ये 5 मीटर का रोल आता है, 5 मीटर की स्ट्रिप। अगर आपको सिर्फ टीवी के पीछे यूज़ करनी है तो आराम से हो जाएगी। कहीं कहीं पे काफ़ी पूरा टीवी यूनिट के बैक साइड में स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया जाता है, जो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो हर एक यूनिट अलग अलग बनते हैं, जहाँ पे स्ट्रिप लाइट का यूज़ कहीं पे काफ़ी ज़्यादा होता, काफ़ी कहीं पे काफ़ी कम होता है। तो आप ये देख सकते हो, ये 60 बल्ब की LED है, 60 बल्ब पर मीटर स्ट्रिप लाइट है। इसको आप आसानी से इजीली लगा सकते हो, पीछे ग्लू आता है और इसके साथ आपको एक एडाप्टर अटैच करना पड़ेगा, जो आपको ये स्ट्रिप लाइट के साथ लगाना होता है। तो अगर 5050 स्ट्रिप लाइट अगर आप लगाते हो 60 बल्ब की, तो एक बेसिक स्ट्रिप लाइट है 60-70 रुपीज़ में इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इसमें काफ़ी कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, इसमें से आप कोई भी कलर ले सकते हो, पिंक, स्काई ब्लू, सारे कलर्स अवेलेबल है। अगर आपको सिंगल कलर की रिक्वायरमेंट है तो, अगर सिंगल कलर नहीं, अगर आपको मल्टी कलर की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं आपको फोटोज़ में दिखा रहा हूँ, मल्टी कलर इस तरह से आप ले सकते हो। तो एक मल्टी कलर की स्ट्रिप भी आती है, जिसमें आपको एक रिमोट मिलेगा, रिमोट के साथ आपको कोई भी कलर आप कॉन्स्टेंट रख सकते हो। कलर चेंजेस रखने हैं तो वो भी रख सकते हो, कलर सॉफ्ट मूविंग रखना है तो भी रख सकते हो। तो RGB स्ट्रिप लाइट की भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी RGB स्ट्रिप का वीडियो बना के रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा कलर, डार्क कलर्स पसंद है तो आप उस तरह के कलर्स भी ले सकते हो। बट ये 5050 बेसिक स्ट्रिप है, जनरली लगाते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको जस्ट एक हाईलाइट करना है टीवी यूनिट को। तो वहाँ से जितनी कम लाइट आएगी, सॉफ्ट लाइट आएगी, उतना अच्छा लगेगा। ज़्यादा ब्राइट लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कहीं पे रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ वहाँ पे वैसा वर्क किया है कि लाइट ज़्यादा गिरनी चाहिए, जहाँ पे जैसे COB स्पॉटलाइट के भी कहीं कहीं पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो वहाँ पे आप ब्राइट स्ट्रिप लाइट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ तो आप बेसिक लाइट यूज़ करोगे तो उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप ये 5050 की स्ट्रिप लाइट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ी सी हैवी यूज़ करनी तो 120 पर बल्ब मीटर की भी स्ट्रिप लाइट आती है। उसके बाद 168, 204 और 240, ये सारे ऑप्शन आपको स्ट्रिप लाइट के मार्केट में मिल जाएगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन से कलर ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। तो गाइस, जैसे टीवी यूनिट बेसिकली वुड वर्क ज़्यादा होता है, वुडन का वर्क ज़्यादा होता है, ब्राउन कलर का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो जगह पे जनरली येलो कलर का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हो सके तो येलो कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए। येलो कलर के बाद ब्लू कलर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और आज की तारीख में मल्टी कलर का भी यूज़ करने लग गए हैं, बिकॉज अलग अलग कलर चेंजेस में अगर उनको रखना है तो वो रख सकते हैं। तो सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। सिंगल कलर की स्ट्रिप लाइट लोगे तो थोड़ी सस्ती पड़ेगी, अगर वही मल्टी कलर की स्ट्रिप लाइट ले रहे हो तो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। मल्टी कलर की प्राइस और नॉर्मल स्ट्रिप लाइट की प्राइस में एक्सप्रोक्सीमेट 30-35 रुपीज़ पर मीटर का डिफरेंस है। उसके बाद उसमें ड्राइवर भी हैवी लेना पड़ता है और उसमें एक रिमोट सेंसर आता है, वो भी आपको परचेस करना पड़ता है, तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा अगर आप RGB के लिए जा रहे हो। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप बेसिक स्ट्रिप लाइट लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको
एक सॉफ्ट लाइट की रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल लाइट की रिक्वायरमेंट है, और जस्ट फॉर द टीवी अगर आपने यूज़ कर रहे हो तो आप बेसिक स्ट्रिप लाइट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये सारे कलर के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। प्राइस वाइज मैंने आपको बता दिया, 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ की जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, ये 60 बल्ब पर LED की बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप पर मीटर LED के बल्ब ज़्यादा लोगे, 120 बल्ब, 168 बल्ब, तो प्राइस उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। हर एरिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मिलेगी, एरिया के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से अलग अलग आपको प्राइस मिल सकती है। सारी ब्रांड में भी अवेलेबल है, नॉन ब्रांड में भी अवेलेबल है। स्ट्रिप लाइट की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। इसमें जो एडप्टर आता है, जो ड्राइवर आता है, उसमें वारंटी गारंटी आती है, तो वो सिर्फ थोड़ा अच्छा लीजिए, ख़राब होने के चांसेस उसके ही रहते हैं, तो अगर आप वो बेटर लोगे तो आपको मेंटेनेंस वाइज भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो गाइज, ये थी आज की स्ट्रिप लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। कहीं पे भी कंफ्यूज हो या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं सारे रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं इसी तरह शेयर करता हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह मिलती रहेगी। तो खुश रहे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।